बुलंद हौसला और हर सांस में जंग। तो ये जो आज का ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए था ताकि हम अपने अंदर जो सलाहते हैं सब समय ला सकें और समाज को ये बता सकें कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं वो किसी भी तरह से किसी से कम नहीं है, बराबर के वो भी शरीक हो सकते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो हर महीने ऑर्गेनाइज होने चाहिए क्योंकि अभी तक हमारे सेंसस के मुताबिक करीबन 7 लाख जिस्मानी तौर जहनी तौर माजूर है। उसके अलावा रोज ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कश्मीर में जिससे माजूरियत बढ़ गई है और बहुत एक बड़ा चंक है लोगों का जो अलग बैठे हुए हैं। अगर ये प्रोग्राम हर सतह पे इनका इनकाद होगा, जिली सतह पे, तहसील सतह पे, तो बहुत सारे लोग बाहर आ जाएंगे, उनको मौका एक मिलेगा। वरना हम जो डिसेबल पर्सन है ऑलमोस्ट वेटिंग फॉर द डेथ, हमारे लिए कोई सोचता नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, अस्पताल में सहूलियात नहीं है, तो हम यही सोचते हैं कि हमारी मौत कब आ जाएगी, तो हमारे सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएंगे तो समाज में भी एक बेदारी पैदा हो जाएगी, इंसानियत के तौर पे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके अमंग भी बेदारी, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता है कि हमारे क्या एस्पिरेशंस, हम क्या चाहते हैं। हम तो इंसान है क्योंकि हमारी फर्स्ट डेजिग्नेशन है कि हम इंसान है, उसके बाद हम पर्सन विद डिसेबिलिटी है या कुछ हमारे जिस्मानी कुछ कमी है, लेकिन वो दूर हो सकती है अगर हमें इन प्रोग्राम के जरिए आगे बढ़ाए। यहाँ के स्पेशली लेबर लोगों ने इस बात को कंफर्म किया कि यहाँ में जो है टैलेंट की कमी नहीं है और ज़रूरत इस चीज़ की कि उस टैलेंट को जो है पॉलिश किया जाए। बुलंद हौसले के तहत जो आज प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया उसका यही मकसद था कि जो स्पेशली लेबर लोग हैं उनके जो कैलिबर है, उनका जो टैलेंट है उसे निखारा जाए। हालांकि घाटी में स्थिति संवेदनशील है लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी जो राय है वो नहीं छोड़ी है और इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इवेंट्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज करें ताकि ये भी एक सामान्य जिंदगी बसर कर सके। ANM न्यूज के लिए श्रीनगर से यावर शफी। आरो खबरें अपडेट पेते सब्सक्राइब करूँ आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करूँ नोटिफिकेशन्स पेते।